नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और बहुत खूबसूरत से फूल एमरंथस लिली या कि रेड लिली। और ये बल्ब वाले पौधों में सबसे खूबसूरत पौधा है। मेरे पास बहुत पुराना है ये पौधा। मैं एक बार दक्षिण भारत घूमने गई थी, कुड़ई केनाल से इसके बल्ब लेकर आई थी और अब तो ये पूरे इंडिया में मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ये बहुत बहुत पुराने बल्ब हैं। तो ये मेरा एक गमला ऐसा है जो मैं खिलने के बाद साल भर के लिए रख लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास पॉट नहीं होते तो खिल जाने के बाद हम इसको मिट्टी को पलट देते हैं और इसके बल्ब उठाकर अगली साल के लिए रख देते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इसको कैसी मिट्टी चाहिए, कितना खाद पानी चाहिए, क्या पसंद है क्या नापसंद है इस पौधे को। गर्मियों में खिलने वाला पौधा है तो इसे धूप तो पसंद है। ये मेरे बल्ब हैं पुराने जो मैंने फरवरी में लगाए थे, तब की रिकॉर्डिंग है ये। तो बस गमला खाली किया था और ऐसा का ऐसा ये पॉट रख दिया था। जैसे ही फरवरी आई तो इसमें से अपने आप अंकुरण होने लगा और मुझे लगा कि इन बल्ब को अलग अलग करके अब मुझे डिवाइड कर देना चाहिए। तो कुछ बल्ब तो मैंने लगा दिए हैं और कुछ मैंने उठा कर रख दिए अब भी, क्योंकि पॉट नहीं थे। तो इसमें से हम छांट के बड़े बड़े बल्ब निकाल ले रहे हैं, क्योंकि जब बल्ब मैच्योर हो जाता है तब उसमें से एक डंडी निकलती है और फूल निकलता है। और ये कई कलर में आते हैं, वाइट, पिंक और रेड, इसके अलावा हाइब्रिड में भी आते हैं। तो फरवरी में इसको लगाने का टाइम है। फरवरी मार्च में अगर मार्केट से आपको बल्ब मिल रहे हैं तो उसमें इस तरह अंकुर नहीं होगा, सिर्फ ड्राई प्याज की तरह कंद होगा। देखिए, मैंने भी अलग कर लिए, बड़े बड़े अलग कर लिए, और मैं चार बल्ब लगा के आपको बता दूंगी। बाकी की मैं उठा के रख दे रही हूँ, फिर कभी लगाऊंगी किसी और गमले में। तो मेरे अनुभव के हिसाब से बहुत हार्डी प्लांट है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। बस इसकी जो मिट्टी भरेंगे ना आप, तो नीचे का छेद बहुत बड़ा होना चाहिए। और मैं ये इसका कॉयर का टुकड़ा रख दे रही हूँ, आप कोई भी पत्थर का टुकड़ा रख सकते हैं। और जो ये मिट्टी बनाई है इसमें 10-20% रेत मिली है और मेरी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत है। तो कुल मिला के खूब भुरभुरी सॉफ्ट मिट्टी जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो, ताकि बल्ब को खाना खुराक मिलती रहे। अगर मिट्टी चिकटी होगी तो इसकी फसल फूल अच्छे नहीं आएंगे। ये बस हमने ये गमले में भर दी मिट्टी और चार बल्ब हम एक गमले में जमा दे रहे हैं। साल से डेढ़ साल में या दो साल में इस गमले में इतने सारे बल्ब हो जाएंगे कि यह ठसाठस भर जाएगा। अगर इसकी पलटकर रीपॉटिंग न की जाए तो ये बल्ब कई बार गमले को तोड़ देते हैं और ये बड़ी आसानी से एक से अनेक हो जाती है। लेकिन जो नए बल्ब बनते हैं उनकी साइज छोटी होती है तो वो अगले साल नहीं खिलते हैं। खिलते हमेशा पुराने बल्ब ही हैं और साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं। फरवरी में तो हम लगाते हैं, मार्च से अप्रैल मई तक ये खिलते हैं। कलर वैरायटी आपको बहुत मिल जाएंगी, मेरे पास केवल एक ही है तो मैं आपको एक ही दिखा पाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने बस इस पर मिट्टी जो भरी है तो इसका जो अंकुर वाला पॉइंट है वो मैंने ऊपर खुला रखा है, मिट्टी से ढका नहीं है। बस इसमें से जल्दी ही अंकुर फूट जाएंगे। पानी इसको बहुत नहीं चाहिए होता, एक बार जब दें तो खूब तर बतर दें, इतना कि ड्रेन होल से निकल जाए। और ये देखिए, बीच में मैं आपको फिल्माना बता गई, पूरे महीने बर्बाद कर रिजल्ट बता रही हूँ। ये इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए लेकिन अभी इसमें एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। लेकिन मेरा जो एक और गमला है जिसको मैंने रिपॉट नहीं किया था, ऐसे ही रखा था, उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अच्छी सनलाइट चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए, पानी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए। अधिक बल्ब वाले पौधों में अधिक पानी देने से पत्ते बहुत सारे हो जाएंगे और
फूल और कलियां कम हो जाएंगे। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप चाहें तो मिट्टी में थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं मिलाती हूँ, जो उपलब्ध है उसी में आप करके देखिए और उसके बावजूद भी आपके पौधे अच्छे होंगे। बहुत सारा कुछ मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।